यूसुफ फंस चुका है वॉशरूम में। यूसुफ खोलो ना, जोर से जोर लगाओ। ये बेचारा ऊपर आया है वॉशरूम में, ब्लॉग बना रहा है। कुंडी लगा दी ऊपर वाली, ब्लॉग बना रहा है। ऐसे खोलो खोलो, खुल जाएगी। हाँ ऐसे खोलो। कितनी रहती है, हैं? खुल जाएगी, खुल जाएगी। खुल गई। हाय मेरा बच्चा किधर है अपना? इधर तो आ, चला जा, जा कपड़े पहन के आ जाओ। ये देखें क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं मतलब आज तो नहीं, वैसे तो मैं कल से आई हुई हूँ इधर अपनी प्यारी 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 अम्मी जान के घर। और बट आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मेरी अम्मी यहाँ पर नहीं रहती, वो मतलब ओमान में होती हैं, कुछ अर्सा यहाँ पे होती हैं, कुछ अर्सा ओमान में रहती हैं। तो अभी वो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, वो ओमान में गई हुई है। और यहाँ पे भाई भाभी हैं पड़े, उनके पास आई हुई हूँ मैं कल से। और कल से आई हुई हूँ वैसे तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा हमारा कल का दिन गुजरा, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा है। और ना रात को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि हमारे साथ क्या हुआ है। हुआ यूँ कि मेरे जो जीजू हैं पड़े, जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं पड़े, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अचानक से इतनी ख़राब हो गई रात के तकरीबन 3 बजे। फिर हमने 1122 को बुलाया, तो मतलब इस तरह से ना उनको फिर हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए हैं और फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं भी रात को पूरी रात वहीं पर थी, मैं सुबह को घर आई हूँ और अब मैं आई हूँ, मैं फ़्रेश हुई हूँ थोड़ी सी, मैंने नींद वगैरह पूरी तो नहीं की, बस ऐसे 1 घंटे के लिए मैं सोई हूँ। बट ये है कि मैं अब फ्रेश हो गई हूँ, अब मैं रेडी हुई खड़ी हूँ, मैं पहले नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके फिर मैं चली जाऊँगी दोबारा हॉस्पिटल। और जो सिस्टर हॉस्पिटल में है पड़ी, फिर मैं उनको बोलूँगी कि अब वो घर चली जाए, वो आके अब रेस्ट करेंगी। और तो फिर मैं अब आपको दिखाऊँगी कि उनकी क्या हालत है, मैं वहाँ पर भी आपको मतलब दिखाऊँगी सब कुछ। तो ये देखें, ये वालेकुम अस्सलाम, इसके बाबा की तबीयत ख़राब है। वालेकुम अस्सलाम, इन दोनों के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप सबने बहुत बहुत दुआ करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और ये है पड़ा मेरी प्यारी अम्मी जान का कमरा, ये देखो। ये देखें नाश्ता आया पड़ा, आपको पता है जैसे कि मैं तो नाश्ता करती नहीं होती। ये यूसुफ बैठेगा अब, ये नाश्ता करेगा, मैंने अपने लिए चाय बनवाई है, अभी मेरी चाय बन के आ जाएगी तो फिर वो चाय पीते। ये बनाया मेरी सिस्टर ने पराठा स्पेशल मेरे लिए, आपको पता है मैं खाती नहीं हूँ, वो कहती मैंने तेरे लिए बनाया, तो फिर अब मुझे खाना ही पड़ रहा है। ये बन रहे हैं हमारे लिए कोफ्ते, वैसे ये तो कल के आए पड़े थे, मतलब अब उनकी तबीयत ख़राब है। फिर भी आपको पता है खाना तो बनना ज़रूरी है, खाना तो खाना ही है ना हर हाल में। अभी ये भाई और भाभी ने कोफ्ते लेके अभी ये बना रहे हैं और मैं जाने लगी हूँ अब हॉस्पिटल। ये देखें गाइस, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप सब ने इनके लिए बहुत बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह पाक सेहत दे दें जल्दी जल्दी। हॉस्पिटल बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोल सकती और बस आप लोग दुआ करें उनके लिए कि वो ठीक हो जाए जल्दी जल्दी से, अभी उनकी तबीयत नहीं है ठीक। हॉस्पिटल में हो रहा है डॉक्टरों का राउंड और मैं तो बाहर बैठ बैठ के थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो
आप सब ने लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। ऊपर आ चुकी हूँ मैं गर्मी में बैठ बैठ के, अब जाके मैं ऊपर आई हूँ और नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह आप तबीयत भी काफ़ी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है। ये देखें ये माशाल्लाह से तबीयत बेहतर है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बेहतर है काफ़ी। हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वही वो खुद भी यही कह रहे हैं मैं अब बेहतर हूँ माशाल्लाह से। अब हाँ अब तो मतलब बेहतर हो गए हैं, फिर डॉक्टर्स ने कहा अब खाना पीना उन्होंने अलाउ किया है, उन्होंने कहा कि हल्की फुल्की चीज़ें हैं तो फिर इनको एप्पल खा के दिए, अभी अभी खा रहे हैं। मेरी आवाज़ में अब थोड़ी सी वो होगी कमी तो प्लीज़ इसे आज बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पता है कहाँ पे हूँ, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। ये देखें ये भाई आए हैं मिलने के लिए, अजवे भी साथ आई है, और फिर मैंने कहा कि आप लोग अंदर ना लेकर जाएं इसे, जम्स होंगे। वालेकुम अस्सलाम, ये आसिफ आए हैं। आसिफ आप क्या लगे इनके? ये मेरे सांडू साहब हैं, सांड पूछने के लिए आया, वो इनकी तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब है, अब दुआ करें अल्लाह पाक इनको शफा दे, आमीन आमीन, और उसके बाद में ना ये ठीक हो के जल्दी से अपने बाल बच्चों में चले, आमीन आमीन। और आप सुनाए आप सब ठीक ठाक हैं, आपका क्या हाल है? अल्लाह, ये हमारा पेशेंट है, इन्होंने हमें शदीद किस्म का तंग किया हुआ, ये देखें। कहाँ जा रहे हो हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम बाहर अपने बेगम को रेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ये कल से मरीज के साथ बैठ बैठ के थक गई है बहुत ज़्यादा। मैं आपको जाके तो खिलाता पिलाता हूँ, फिर आप आ जाना। सुबह हो चुकी है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम तो नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरा वही नाइट वाला ही व्लॉग चल रहा है। अब मैं हॉस्पिटल से जाने लगी हूँ घर, फ़िलहाल तो मैं बाहर बैठी हूँ वेट कर रही हूँ, और इस वजह से वेट कर रही हूँ क्योंकि अंदर हो रहा है डॉक्टर्स का राउंड, तो जब राउंड होता है तो तब फिर वो सबको बाहर भेज देते हैं, तो राउंड हो जाएगा फिर मैं ऊपर जाऊँगी दोबारा सिस्टर के पास, और फिर हम लोग घर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने के लिए। अच्छा तो आप करते हैं वीडियो का एंड, मैं घर आ गई हूँ हॉस्पिटल से, तो वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा, और मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छी अच्छी कॉमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं कल सुबह, नहीं आज, मतलब आज ही अभी से मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। अब नाइट में आज मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया क्योंकि आप सबको पता है कि मैं हॉस्पिटल में थी। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।